हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? और आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे, जहां पे हम ये सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, एक बात मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, 18 को आरआरबी क्लर्क का एग्जाम, 17 को रात के 10 से 12 दो घंटे की क्लास है मेरी, जहां पर हम अपने करंट अफेयर्स को पूरा रिविजन करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। और वैसे ये एग्जाम, ये क्लास सबके लिए होगी, जो भी जिसके भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है, लेकिन मेन फोकस ऑन आरआरबी एग्जाम। तो कहने का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी ढेर सारे क्वेश्चन का हम रिवीजन करने वाले हैं 17 को, याद रखिएगा। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे बारे में। तो मेरा नाम अभिजीत मिश्रा है और मेरे दो क्लासेस आते हैं बैक टू बैक, एक क्लास अभी आप देख रहे हैं और 10 AM पे हम करने वाले हैं आज अप्रैल मंथ का रिवीजन। तो अप्रैल मंथ की सीए होगी, याद रखिएगा। आप मुझे क्यों फॉलो करेंगे? बिकॉज मैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में आता हूं। आप मेरी पिक यहां पर देख सकते हैं, पहले मैं ऐसा हुआ करता था, अब मैं ऐसा हो चुका हूं, ठीक है। चलिए गाइस, मेरे दो कोर्सेस चल रहे हैं, दोनों कोर्स का रिस्पांस काफी अच्छा है। एक कोर्स जो है वो केवल करंट अफेयर्स को लेकर है, एमसीक्यू बेस पे, और दूसरा कोर्स मेरा जो है वो केवल बैंकिंग अवेयरनेस पर है। तीसरा कोर्स मेरा बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें हम लोग जीए की बात करेंगे, जहां पर हम बैंकिंग, करंट अफेयर्स, स्टैटिक को मिक्स बैक करेंगे। हम एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्लास हमारी जो होगी वो आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए होगी, ठीक है। तो अगर आप इनमें से मेरा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। मेरे बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमसे नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, उन्होंने अनअकैडमी का एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लिया था। आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, ध्यान दीजिएगा, इंस्टॉल करना है, और इसके बाद क्या होगा, आपके सामने चूज योर गोल आएगा। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं गाइस, तो आपको अपने गोल का मतलब आपको बैंक एग्जाम पे क्लिक करना पड़ेगा। बैंक एग्जाम मतलब मेरे क्लासेस आपको बैंक एग्जाम पे ही मिलेंगे। बैंक एग्जाम पे आप क्लिक करते हैं गाइस, तो क्या होता है, आपके सामने ये पेज खुल के आता है, जहां पर आपको ये बताया जाता है कि आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म कैसे ज्वाइन कर सकते हो। हमारे यहां फायदा ये होता है कि आप एक बार फीस पे करोगे ना, लेकिन आपको जितने भी एजुकेटर्स हैं सबके कोर्सेज मिल जाएंगे देखने के लिए। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। मतलब मैं अपनी बात करूंगा, मैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता हूं फॉर एग्जांपल बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि यार कम से कम 5-6 मैथ्स के एजुकेटर तो मुझे मिले, और मेरा यह सपना पूरा हो सकता है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके, जहां पर इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स, आप चाहे क्वांट की बात कर लें, चाहे आप रीजनिंग की बात कर लें, चाहे आप जीए की बात कर लें, चाहे आप इंग्लिश की बात कर लें, सारे एजुकेटर के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आपको एक ही बार फीस पेमेंट करना है। हमारे पास ये सब फीस पेमेंट के ऑप्शन, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, यानी आप कैसे हमारा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो गाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12 मंथ के लिए हमारा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हो, तो 12 मंथ के लिए आपको फीस देनी है एक बार, लेकिन जितने भी एजुकेटर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं सबके कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सोचिए जरा कि मैथ के अगर 10 एजुकेटर हैं, वो भी टॉप के हैं, तो आपको कहीं और बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना किसी क्वेश्चन की, ना पीडीएफ की, ना बुक्स की, क्योंकि आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इतनी सारे क्लासेस मिल जाएंगी, जो एजुकेटर पढ़ा रहे हैं वही सेम पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है विथ योर एजुकेटर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आप एक साल के लिए हमारा अनअकैडमी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको फीस पे करनी पड़ती है 6,000 रुपए। लेकिन गाइस, 6,000 रुपए आपको शायद ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको फिर से इंफॉर्मेशन दे दूं कि गाइस, यहां पर नंबर ऑफ एजुकेटर्स के आपके सामने ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो, या फिर फॉर एग्जांपल आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो, इतनी ही फीस आप पे करते हो केवल 3-4 एजुकेटर के लिए। अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको आपकी फीस चली जाएगी, उससे अच्छा आप ये कर लीजिए घर बैठे बैठे आराम से। तो 6,000 रुपए आपको लग रहा है, लेकिन जब आप यहां पर यह क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, जहां पर यहां पर आपको स्पेस मिलेगा, यहां पर आपको एएम लाइव कोड डालना है, जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये मेरा कोड है गाइस। और अगर इसको आप अप्लाई कर देते हो, तो आपको ये डिस्काउंट होकर पड़ता है 5,400 रुपए, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो एएम लाइव कोड से अगर आप एडमिशन लेंगे, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। ये मेरा कोड है, और मेरे कोड से अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको भी फायदा है और मुझे भी फायदा है। तो फायदे की बात करते हैं। फायदे का मतलब ये हुआ गाइस कि एक साल के लिए पूरा का पूरा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आपका हो गया, आपको जैसे मन करे वैसे पढ़ाई करिए। तो गाइस, एएम कोड, एएम लाइव, एग्जैक्टली में ये एएम लाइव हो चुका है, तो एएम लाइव आपको याद रखना है, और एएम लाइव कोड से आपको एडमिशन लेना है। और अगर आप ले चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके दोस्त यार, सखी सहेलियां, भाई बहन, कोई भी लेना चाहे, तो आप रिकमेंड जरूर कर सकते हैं गाइस। एएम लाइव कोड भूलिएगा नहीं।
और हमारे पास दो साल का भी एक मॉडल है, अगर 2 साल के लिए आप चाहते हो हमारा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आपका हो जाए, बिकॉज आप बिगनर हैं, अभी आप शुरुआत किए हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स ये है। आपको 2 साल का कोर्स एएम लाइव कोड के थ्रू मिलेगा कितने में, 8,640 रुपए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, सब गुड मॉर्निंग, यहां पर आपसे बातचीत हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं आज के अपने 15 अक्टूबर करंट अफेयर्स की। तो कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मोटिवेशनल कोट की। कल 2 या 3 मैसेज मैंने रिसीव की टेलीग्राम पर, और दोनों तीनों मैसेज का समरी एक ही था कि सर हम तैयारी कर रहे हैं 6 महीने से या साल भर से, अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एग्जाम अच्छे नहीं जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या हमें क्विट कर देना चाहिए, क्या हमें कैसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो यह है गाइस कि अगर हम यहां पर आज हैं, मतलब हम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होते हैं एग्जाम्स, तो यानी कि हमने अपना इंटरमीडिएट और अपना ग्रेजुएशन ठीक से तो नहीं पढ़ा, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इंटरमीडिएट पढ़ने का या ग्रेजुएशन लेने का, वो जैसे मान लीजिए हम बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, तो हो सकता हो कि भविष्य में क्या आपने ये सोचा था कि आपको पीएचडी करनी है, अगर आप बीटेक किए हो तो क्या आपने भविष्य में ये सोचा था कि आप तैयारी करोगे। तो कहने का मतलब कि देखो, हर इंसान के अंदर एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है, अब ये डिपेंड करता है कि उस शक्ति को आप कब पहचानते हो। शक्ति तो हनुमान जी के अंदर भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनको भी यह नहीं मालूम था, और उनके गुरु जामवंत ने जब उनको यह समझाया तब उनको मालूम चला। तो आप लोग के अंदर भी अपार शक्ति है, आप लोग किसी से कम नहीं हो गाइस। देखिए, आपने डिसीजन लिया है बेटा, पहली बार लाइफ में कुछ अच्छा करने जा रहे हो, तो अच्छा करो, बिल्कुल उसमें निगेटिव मत हो, उसमें कोई ऐसी बातें मत सोचिए। आप यह देखिए ना कि क्यों नहीं हो पा रहा है आपसे, आपको क्वांट टफ लग रही है कि रीजनिंग टफ लग रही है कि जीए की इंग्लिश, और वो दूसरों के लिए इजी क्यों है, आपके लिए टफ क्यों है। मेरी बात एक मानिएगा, एक बड़े भाई का सलाह मानिएगा, जिस चीज से आप सबसे दूर भागते हो ना, अगर उसी चीज को आप सबसे ज्यादा पढ़ना शुरू कर दोगे ना, आपके सारे एग्जाम क्वालिफाई होना शुरू हो जाएंगे। मुझे इंग्लिश से बहुत दिक्कत थी, मैं इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाहता था, और एग्जाम में हमेशा मैं पासिंग मार्क्स पाता था, और पूरे मेरिट में क्या हुआ, पूरे मेरिट में मैं नहीं आ पाता था, क्योंकि मैं इंग्लिश से भागता था, जबकि मुझे इंग्लिश के सामने बैठना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, भले वो कितना बोर लगे। एग्जैक्टली जब हम कोई काम करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमें बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो हैबिट में आता है ना, तो उसे मजा आने लगता है। वो धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, और जब तक आपको मजा ना आए उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप गिवअप मत करें यार बीच में आकर, इतना आपने तैयारी कर ली है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और जस्ट डू इट डू इट डू इट वाला एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। बेटा, दुनिया बड़ी जालिम है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, बहुत कॉम्पिटिशन है, और इंसान हमेशा उसी को याद रखता है, इंसान हमेशा वही याद किया जाता है जो कि अचीवर होता है। लूजर की इस दुनिया में कोई जगह नहीं, सब आपके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाएंगे या पीछे रह जाएंगे। तो क्यों अपने आप को इतना दयनीय समझना, इतना अपने आप को दुर्लभ दुर्बल समझना, ये मत सोचिए, आप अपने माइंड में मत लाइए, यही मैं आपको सलाह दूंगा। आगे आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए, संतोष इज टफ फॉर यू, इट्स ऑल्सो टफ फॉर मी, इट्स ऑल्सो टफ फॉर मी। अब ये आपके लिए टफ है तो मेरे लिए क्या है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं रात में भी कंटेंट बनाता हूं, रात के 2 बजे सोता हूं, सुबह उठ के 8 बजे से लेक्चर लेना शुरू करता हूं, टफ तो है, लेकिन क्या टफ से आप भाग जाएंगे क्या? क्या मैं भाग जाऊं? जितने बच्चे मुझ पर बिलीव कर रहे हैं, क्या मैं क्या क्या करूं? मैं चाहूं तो आराम से 2 घंटे लेक्चर लूं, अरे छोड़ो यार जाओ हटो, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बात है मेरे प्रोफेशनलिज्म की, बात है आपके फ्यूचर की, आपके करियर की। टफ है ना, बस टफ ही है, हाँ, और आप उससे ज्यादा टफ हो, ठीक है। चलिए गाइस, तो रिपोर्ट और इंडेक्स पे पहले न्यूज की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट में हम किसी कंट्री के ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं। ब्रांड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, उस देश, उसकी इकॉनमी, उसका पॉपुलेशन, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सब देखते हुए हम ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं। और इस इंडेक्स में भारत को 2 स्थान का फायदा हुआ है लास्ट ईयर कंपैरिजन में, और भारत को इस इंडेक्स में 7वीं रैंक मिली है। इंडेक्स का नाम क्या है देखिए, तो इंडिया रैंक सेवंथ। टॉप किसने किया? यूएस ने, आप देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट हुआ चाहिए, यूएस ने टॉप किया इन ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग 2019। तो हम रिपोर्ट और इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम किसी कंट्री के ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं। इंडिया को 7वीं रैंक मिली। आइए गाइस, दिखाते हैं आपको पूरी न्यूज़। देखिए, टेबुलर फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में बिल्कुल आपके लिए। देखिए, रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है ब्रांड फाइनेंस नेशन ब्रांड 2019। यह रिपोर्ट किसने पब्लिश की? तो यह रिपोर्ट पब्लिश की है ब्रांड फाइनेंस नाम की एक कंपनी ने, ठीक है।
इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? इस इंडेक्स में टॉप किया है यूएस ने, और इंडिया सातवें नंबर पे आ गया है नौवें से लास्ट ईयर के कंपैरिजन की बात करें। गाइस रिपोर्ट और इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है आप हर एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बना लेनी है। बीच बीच में मैं काफी आपका रिविजन भी कराता हूं इसीलिए कि आपको चीजें लर्न है। तो ये पहले इंडेक्स की हम बात कर रहे थे जो आपके सामने गाइस, और अगर आगे बढ़ेंगे तो आइए रैंक की बात कर रहे हैं। इस इंडेक्स में टॉप पे है यूएस, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है जर्मनी, चौथे पे है जापान, पांचवें पे है यूके, और इंडिया सातवें नंबर पे। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो रिपोर्ट का नाम क्या है, ब्रांड फाइनेंस नेशन ब्रांड 2019। इंडिया सेवंथ नंबर पे है, टॉप किया यूएस ने और इसे पब्लिश किया है ब्रांड फाइनेंस ने। अभी आपके एसबीआई क्लैरिकल के एग्जाम में शायद ये पूछ भी लिया गया था कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये जो इंडेक्स है ये कौन पब्लिश करता है, तो मतलब कहने का मतलब पब्लिशर का नाम भी पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको ये पूरा लर्न करना है। ठीक गाइस, आपको मैंने टॉप फाइव कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। गाइस ये ट्यूसडे की क्लास है और ट्यूसडे को हमें संडे मंडे की न्यूज भी कवर करनी होती है, तो बहुत सारे पॉइंट हमारे पास होते हैं, तो अभी हम रिवीजन या एक्स्ट्रा पॉइंट की बात थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब बात करेंगे डिफेंस की, और डिफेंस में हम बात करने वाले हैं डिफेंस एक्सरसाइज की, और डिफेंस एक्सरसाइज में हम बात करने वाले हैं इंडियन मिलिट्री और यूएस मिलिट्री के बीच में हुए एक डिफेंस एक्सरसाइज की, कहां पर, सिएटल सिएटल यूएस। देखिए तो इंडिया और यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, वज्र प्रहार, और ये कहां पर, ये सिएटल यूएस में हो रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इंडिया और यूएस के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार टू बी हेल्ड इन सिएटल यूनाइटेड स्टेट। आईएस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेंस एक्सरसाइज, इसका नाम है वज्र प्रहार आपके सामने। कंट्रीज कौन कौन सी इसमें है, तो इंडिया है और यूएस है, और ये किस टाइप का एक एक्सरसाइज है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब आर्मी नेवी नहीं, ये मिलिट्री का एक्सरसाइज है। कौन सा एडिशन, 10वां एडिशन, ये भी देख लीजिएगा, और लोकेशन, तो लोकेशन सिएटल यूनाइटेड स्टेट आपके सामने है। तो हम डिफेंस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, वज्र प्रहार नाम है इसका, 10th एडिशन सिएटल यूएस में हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइज है आपके सामने, और ये 10वां एडिशन था। यानी सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट टेबुलर फॉर्म में आपको यहां पर दे दिए गए हैं। ठीक है, पहली पॉइंट। आगे बढ़कर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस, देखिए दूसरा डिफेंस एक्सरसाइज, और यहां पर हम इंडिया और जापान की बात करेंगे, और इंडिया और जापान में देख लीजिए फिर से एक बार, एक मिलिट्री एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, धर्म गार्जियन 2019। बेटा धर्म गार्जियन की बात करें तो 2018 में इसका पहला एडिशन हुआ था, यानी ये सेकंड एडिशन है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये दूसरा एडिशन है, कहां होगा, आइए हम वो बात आपसे करने के लिए जा रहे हैं। तो देख लीजिए यहां पर डिफेंस एक्सरसाइज का नाम क्या है, धर्म गार्जियन 2019 टाइप, ये एक तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। कंट्री इंडिया और जापान इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इस बार ये मिजोरम में होने वाला है, मिजोरम में वैरेन गेट एक जगह है, वहां पर ये होने वाला है, मिजोरम सेकंड एडिशन है, ये मत भूलिएगा, मैं आपको फिर से ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे, हम धर्म गार्जियन की बात कर रहे थे, इंडिया और जापान। गाइस डिफेंस एक्सरसाइज एक ऐसा पॉइंट होता है ना जो कि किसी भी एग्जाम में आता है और जरूर आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और बहुत दिन से मैंने आपको डिफेंस एक्सरसाइज पर रिवीजन नहीं कराया। तो 2019 में जो मेन डिफेंस एक्सरसाइज हुई है हम उसकी बात करने वाले हैं आपसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए तो अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा, लेटेस्ट पढ़ा आपने नोमैडिक एलिफेंट, है ना, नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो नोमैडिक एलिफेंट किस कंट्रीज के बीच में होता है, तो आपको बताइए इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ, और बकलो हिमाचल प्रदेश में, यह भी आपको पता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, टाइगर ट्रियम्फ, तो ये आपको पता है ये इंडिया और यूएस के बीच में होने वाला है, और ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होगा, मतलब कि जिस तरह इंडिया रशिया के साथ इंद्र करता है ना, इंद्रा का मतलब वो आर्मी का भी होता है एक्सरसाइज, नेवी का भी होता है, एयरफोर्स का। तो इंडिया ने किसी रशिया के बाद दूसरा देश यूएस को चुना है, जिसमें एक ही डिफेंस एक्सरसाइज में तीनों के एक्सरसाइज होते हैं। तो टाइगर ट्रियम्फ ये कहां पर होने वाला है, विशाखापट्टनम एंड काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ये होने वाला है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट है और ये लेटेस्ट है। थर्ड पॉइंट की बात करें, चैंगथांग, आपको पता है इंडियन आर्मी ने अभी अब तक का सबसे बड़ा माउंट एक्सरसाइज किया चैंगथांग, ये अकेला इंडियन आर्मी ने किया था, और ये ईस्टर्न लद्दाख चाइना इंडिया बॉर्डर पे हुआ था, चाइना नहीं, तो ये गलत है, इसको ध्यान देना मत। ठीक है, चाइना इंडिया बॉर्डर पे ये हुआ था लद्दाख में। अच्छा, सिटमैक्स आपने इसका भी नाम सुना है, इंडिया थाईलैंड एंड सिंगापुर, ये भी लेटेस्ट है, और ये एक मैरीन एक्सरसाइज है, मतलब नेवी का
पोर्ट बेयर में हुआ, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक्वरीन, ये भी लेटेस्ट हुआ है। एक्वरीन इंडिया और मालदीव के बीच में होता है, ये कहां पर हुआ, पुणे में हुआ, ये आपको बताया। गाइस आगे बढ़ेंगे, युद्ध अभ्यास की बात करेंगे, कुछ दिन पहले ये हुआ, यूएस में ही हुआ था ना, इंडिया एंड यूएस आर्मी मिलिट्री का हुआ था, और ये वॉशिंगटन में हुआ था, ये भी आपको पता है। गाइस ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और आपको रिवीजन करते चलना है क्योंकि आप पढ़े हो ये सब, है ना। नेक्स्ट पॉइंट मैत्री, ये भी आपने पढ़ा, मैत्री इंडिया एंड थाईलैंड, ये मेघालय में हुआ अमरोह में, ये भी आपको पता है। मालाबार, अभी लेटेस्ट एक्सरसाइज ये भी है, इंडिया जापान और यूएस की मैरिटाइम मतलब की नेवी का, और ये जापान में हुआ इस बार। इंडो थाई कॉर्पेट, गाइस कॉर्पेट का मतलब क्या होता है, कॉर्पेट का मतलब होता है बेसिकली पेट्रोलिंग करना, मतलब ठीक है अपने मैरिटाइम को सुरक्षित रखना। तो इंडिया और थाईलैंड नेवीज के बीच में हुआ, कहां पर हुआ, थाईलैंड में हुआ, ठीक है। और देख लीजिए काजन, ये भी अभी रिसेंटली हुआ, काजन 2019 इंडिया एंड कजाकिस्तान की बात कर ले, और ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ, ये भी आपको याद होगा। युद्ध अभ्यास ये तो हो चुका हमारा वॉशिंगटन में, ठीक है। और देख लेते हैं गाइस PSENTR, एग्जैक्टली में अगर हम अपनी बात करें तो हमारी लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, हमारी लैंग्वेज में इसे हम बोलेंगे सेंटर, लेकिन रशियन लैंग्वेज में इसे हम क्या बोलते हैं, TSENTR। बेसिकली ये SEO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज के बीच का एक डिफेंस एक्सरसाइज हुआ। देख लीजिए ये सारे कंट्रीज थे, रशिया में हुआ, ये भी हमको पता है। हैंड इन हैंड की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि लास्ट ईयर नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ डोकलाम विवाद, इस बार ये होने वाली है और ये मेघालय उमरोई में होगी, ये भी देख लीजिए दिसंबर में ये होने वाला है, ये भी आपको बताया गाइस, कुछ नया नहीं है इसमें। और देख ले वॉरफेयर एक्सरसाइज इन स्पेस एक्स, ये एक तरह का स्पेस वॉर वो डिफेंस एक्सरसाइज था, जब इंडिया ने मिशन शक्ति लॉन्च किया था ना उसके बाद की बात है। तो बेसिकली अंतरिक्ष से हमारे ऊपर कैसे खतरे आ सकते हैं उसको देखकर हमारी हमारे मतलब ये डिफेंस ने ये इंड स्पेक्स किया था, और ये इंडिया ने किया मतलब कहां पर, अंडमान आइलैंड द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। गरुड़ फिक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, ये इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में हुआ, और ये कहां पर हुआ, फ्रांस में हुआ, ठीक। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट अलनगा 3, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताया अलनगा की बात करें तो ये इंडिया और ओमान के बीच में हुआ बेटा, कहां पर हुआ, ओमान में हुआ। नेक्स्ट बात करें संप्रीति, ये भी आपने पढ़ा होगा संप्रीति, तो संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है, और इस बार ये तंगेल बांग्लादेश में हुआ था, है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज। और देख लीजिए इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, मतलब इंडिया और अफ्रीकन कंटिनेंट, और इसका नाम था IAFTEX 2019, ठीक। ये कहां पर हुआ, ये हुआ आपका पुणे में, इंडिया एंड अफ्रीका मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक। और देखें बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज था, और ये कहां पर हुआ, ये बबीना झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, सिम्बैक्स, आपने नाम पक्का सुना होगा, सिम्बैक्स एक नेवी एक्सरसाइज है, ये इंडिया और सिंगापुर के नेवी के बीच में हुआ, साउथ चाइना सी में ये हुआ, इंडिया में ही हुआ था, ठीक है। वरुण की बात कर ले, वरुण 2019, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया और फ्रांस का ये नेवी एक्सरसाइज है, और ये गोवा कोस्ट पर हुआ, ये भी आपको बताया। और देख लीजिए ऑसी इंडेक्स, नाम से चला इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये विशाखापट्टनम में हुआ। इम्बेक्स IMBEX, ये इंडिया और म्यांमार के बीच में हुआ, और ये कहां पर हुआ, चांदी मांडी मिलिट्री स्टेशन इंडिया में ही हुआ है, ये किस स्टेट में हुआ ये देख लीजिएगा आप लोग। और डिजास्टर कंट्रोल एक्सरसाइज इंडिया और जापान ने किया था, जापान में किया था। मेनमाती मैत्री एक्सरसाइज, ये इंडिया के BSF और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच में हुआ था, कहां पर, बांग्लादेश में हुआ था। मित्र शक्ति की बात कर ले तो इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज हमने आपको यहां पर रिविजन कर दी है ताकि इस साल की, ताकि आपके एग्जाम में कोई छूटे ना कोई चीज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मतलब आप थोड़ा सा 15 मिनट और दे दीजिएगा, एक बार चीजों को रिवाइज कर लिए गाइज, आपका एक नंबर एग्जाम के लिए पक्का हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अवार्ड एंड ऑनर की बात करेंगे, और ये न्यूज आपको पता है पहले से, हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज की, और वो भी इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक्स की बात हो और हमारा नाम ना आए तो यार कैसे चलेगा, है ना। देख लीजिए तो यहां पर हम इंडियन अमेरिकन अभिजीत बैनर्जी की बात कर रहे हैं, मुंबई में इनका बर्थ हुआ था, और ईस्टर डुफ्लो की बात कर रहे हैं, और माइकल क्रेमर की बात कर रहे हैं, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता इकोनॉमिक्स में, तो मेरे नाम से ही आपको याद हो जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर हम बात करें तो अभिजीत बनर्जी और ईस्टर डुफ्लो, ये लोग MIT से हैं,
और माइकल क्रीमर की बात करें तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, तो इन लोग को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, आपके सामने टेबुलर फॉर्म में सिंपल सी लैंग्वेज में देख लीजिए। तो अवार्ड का नाम क्या है? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। इन विनर का नाम क्या है? तो अभिजीत बैनर्जी, ईस्टर डुफ्लो एंड माइकल क्रीमर। ईस्टर डुफ्लो 50 साल के इतिहास में दूसरी महिला है जिन्हें इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। एरिया ऑफ रिसर्च, इनका एरिया ऑफ रिसर्च क्या था? फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग अ ग्लोबल पॉवर्टी। ग्लोबल पॉवर्टी पर किए गए इनके शोध कार्य की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स का। तीनों को 9,000 करोड़ आपस में शेयर करना पड़ेगा जो अवार्ड की राशि है, इतना बहुत है। और इकोनॉमिक्स के साथ ही नोबेल प्राइज खत्म हो चुके हैं, तो आपको मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर और उसके बाद इकोनॉमिक्स सबका याद रखना है। आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इवन अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर भी आता है तो आपके एग्जाम में नोबेल प्राइज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में नोबेल प्राइज दिया जाएगा, यानी इस अक्टूबर से वो साल अक्टूबर तक ये एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी एग्जाम देने जाओ। तो ये बिल्कुल ऐसा पढ़ लो कि मतलब एग्जाम में आएगा और आप तुरंत आंसर कर लो। क्या क्या आपको पढ़ना है तो एक बार आप रिवाइज कैसे करेंगे? जितने भी अवार्ड विनर हैं, ठीक है, उनकी कंट्री जरूर याद करिएगा, किस वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज कब से शुरू हुआ स्टार्टिंग की बात करें और प्राइज मनी की बात करें, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक दिन मैं एमसीक्यूज में सब ला दूंगा, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ये गाना भी बड़ा अच्छा है। और ये गाना किसने गाया? गाना गाया किशोरदा ने। किशोरदा की जन्म की बात करें तो मध्य प्रदेश में हुआ था, मैं केवल गाने की बात कर रहा हूं गाइस, है ना। चलिए, तो किशोर कुमार के नाम पर एमपी गवर्नमेंट एक अवार्ड देती है और इस बार का ये अवार्ड मिला है हमारे देश के बड़े अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रियदर्शन जी को, ठीक है। तो इंडियन फिल्म मेकर प्रियदर्शन गेट्स नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2018-19। तो भारतीय फिल्म निर्माता प्रियदर्शन को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2018-19 मिला है। इसमें प्राइज मनी मिलती है 2,00,000 रुपए। मैं आपको यह भी इंफॉर्मेशन दे दूं, आइए आपको आगे सारी बातें मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले अवार्ड का नाम। तो अवार्ड का नाम क्या है? नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2018-19। ये अवार्ड किस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है? तो ये अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है। किसको दिया है? प्रियदर्शन जी को दिया है। कैश प्राइस 2,00,000 रुपए। प्रियदर्शन जी, आपने इनका नाम सुना होगा अगर आप भागम भाग मूवी देखे होंगे, या फिर गरम मसाला, या फिर भूल भुलैया, मारा बाल वीकली, ये प्रियदर्शन जी ने ही ये मूवी बनाई है ना जी। चलिए, किसी के यहां रियलिटी भी होगी, हाँ जरूर होगी, बिल्कुल होगी। चलिए, तो ये पॉइंट हम बात कर रहे थे, ये पॉइंट आपको क्लियर है गाइस। आगे बढ़ते हैं और दूसरे न्यूज की बात करते हैं। और दूसरी न्यूज हमारी क्या है? हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। और इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड की बात करें तो ये चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है। ये कौन थे? ये पायनियर थे चिपको आंदोलन के। जब पेड़ वेड़ काटे जा रहे थे तो लोग पेड़ से चिपक नहीं गए थे, आपने पढ़ा होगा। तो चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें, इन्हें रेमन मैक्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, अच्छे मतलब काफी ये प्रसिद्ध इंसान है। तो इनको इस बार का इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन मिला है। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये अवार्ड इनको 31 अक्टूबर को मिलेगा, और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे भी है, तो ये अवार्ड तो वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इसका नाम है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये मैंने क्यों आपसे बोला, ये मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको चीजें याद रहे। 31 अक्टूबर को ये अवार्ड दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो 31st मतलब ये 31st एडिशन है, ये देख लीजिएगा, द 31st इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। 17 और 18 के लिए ये अवार्ड किसको दिया गया? तो चिपको मूवमेंट के पायनियर, इनका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट, इनको दिया जाएगा फॉर हिज सर्विसेज इन प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, कौन सा एडिशन? 31st एडिशन। किसको मिलेगा? नाम आपको मालूम चल गया, 17-18 के लिए दिया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने यहां पर बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे, हाँ देख लीजिए, इसमें प्राइज मनी की बात करें तो इस अवार्ड की प्राइज मनी है 10,00,000 रुपए, ठीक। और ये अक्टूबर 31st को दिया जाएगा, कौन देगा? तो सोनिया गांधी जी, जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, वो ये अवार्ड अपने हाथों से देंगी,
ठीक है, तो सोनिया गांधी जी अवार्ड देने वाली हैं, तो हमने इसकी बात भी कर ली आपसे। गाइज आगे बढ़ेंगे और अब बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की बात करेंगे। बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में कौन कौन सी न्यूज आपके लिए हम लेकर आए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर तो बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की बात करें तो हम बात करने वाले हैं इंडिया की। इंडिया अनाउंसेस लाइन ऑफ क्रेडिट। गाइज लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब लोन से ही होता है, ठीक है। तो इंडिया अनाउंसेस लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $30 million टू सियरा लियोन फॉर इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो भारत ने घोषणा की है कि अफ्रीकन कंट्री सियरा लियोन को $30 million का उधार देने के लिए फॉर इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपको यहां पर वेंकैया नायडू दिखाई दे रहे हैं, यानी वेंकैया नायडू जी अभी विजिट पर गए हैं अफ्रीकन कंटिनेंट और वहां पर वो सियरा लियोन गए हैं, और यहां पर अफ्रीकन कंट्री सियरा लियोन और इनके बीच में 6 MOU साइन हुए हैं। यह भी याद रखिएगा, 6 MOU साइन हुए जिसमें से एक MOU ये था। आइए आपको पूरी इंफॉर्मेशन हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए तो कौन सी कंट्री की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सियरा लियोन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडियन विजिटर ना, तो भारत से कौन गया यहां पे, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू यहां पर गए। और इंडिया और सियरा लियोन के बीच में 6 agreement साइन हुए हैं MOUs, ये भी आपके सामने है। ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देख लीजिए तो लाइन ऑफ क्रेडिट अमाउंट कितना हमने दिया है, $30 million की बात हमने की है फॉर इरिगेशन डेवलपमेंट। और ये $30 million कौन देगा, तो ये देगा एक्सिम बैंक, ये देगा एक्सिम बैंक, ये भी आपके सामने। एक बार फिर देख लीजिए, तो हम सियरा लियोन की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू गए हैं यहां पर और दोनों कंट्रीज के बीच में 6 MOU साइन हुए हैं। हम सियरा लियोन को $30 million की हेल्प कर रहे हैं और ये हेल्प कौन करेगा इंडिया की तरफ से, एक्सिम बैंक करेगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके सामने। अगर हम सियरा लियोन की बात करें गाइस, तो ये देखिए ये यहां पर अफ्रीका में ये छोटा देश है जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। और अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, इसकी कैपिटल है फ्री टाउन, और करेंसी की बात करें लियोन सी करेंसी है, ये भी आपके सामने, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको लर्न करना है बिकॉज अभी ये न्यूज में है और एग्जाम में हो सकता है ये देखने को मिल जाए, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक राजस्थान गवर्नमेंट को लोन दे रहा है इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी। तो राजस्थान में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक एमपी गवर्नमेंट को लोन दे रहा है $190 million का। देख लीजिए तो एडीबी और इंडिया ने राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $190 million का ऋण लिया। मतलब देखिए अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक राजस्थान गवर्नमेंट को लोन देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछकर, तो जब कोई एमओयू साइन होता है तो इंडियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक वर्ल्ड बैंक या IMF, ठीक है। देखिए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड अ $190 million लोन एग्रीमेंट टू इंप्रूव रोड कनेक्टिविटी इन राजस्थान। तो राजस्थान में रोड कनेक्टिविटी के लिए ये अमाउंट दिया जा रहा है, ये हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो राजस्थान एशियन डेवलपमेंट बैंक $190 million, ये आपको लर्न करना है गाइस। आगे बढ़ते हैं और अब स्पोर्ट्स की बात करेंगे, और स्पोर्ट्स में हम बात करेंगे AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप रशिया की जो कि खत्म हो चुका है। तो इंडिया के कितने मेडल जीते, क्या क्या पॉइंट है, वो हम बात आपसे करने वाले हैं। मंजू रानी आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है, मंजू रानी बैक्स सिल्वर, मतलब सिल्वर मेडल जीता है मंजू रानी ने इन 2019 AIBA वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये AIBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कहां पर हुआ, पहला क्वेश्चन, या फिर AIBA का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए आइए तो हम यहां पे देख पा रहे हैं 2019 का AIBA वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कहां पर हुआ, ये रशिया में हुआ, ठीक है। और AIBA का हेडक्वार्टर कहां पे है, लुसाने में है। आइए बात करते हैं पूरी, देखिए चैंपियनशिप का नाम क्या था, 2019 AIBA वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और ये चैंपियनशिप कहां पर हुई, ये चैंपियनशिप रशिया में हुई। इंडिया ने टोटल 4 medals जीता और 4 में से 3 हमारे पास आए ब्रॉन्ज मेडल और 1 आया हमारे पास सिल्वर मेडल। आइए देखिए तो मंजू रानी की बात करें, ये 48 kg कैटेगरी में खेलती हैं, और गाइस ये आपको वेट याद रखना पड़ेगा मंजू रानी, और इन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मैरी कॉम 51 kg में खेली और इंडिया के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जामुना बोरो की बात करें, 54 kg में खेला इन्होंने और इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। और लोवलीना बोरगोहेन की बात करें, 69 kg में इन्होंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इंडिया ने टोटल 4 medals जीता,
और ये AIBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पे? रशिया में होगा। आपको हमने प्लेयर्स के नाम, उनके वेट कैटेगरी, सब कुछ इंफॉर्मेशन दी विथ मेडल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो आप यहां पर देख पा रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेनिस की। यहां पर आपको दिख रहे हैं डेनियल मेदवेद, और ये कौन दिख रहा है? ये दिख रहे हैं आप लोग अलेक्जेंडर जेवरे, ये जर्मनी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो डेनियल मेदवेद विल शंघाई मास्टर्स टाइटल 2019 टेनिस। तो डेनियल मेदवेद की बात करें, इन्होंने शंघाई मास्टर्स टाइटल जीता है 2019 का, और ये एक टेनिस टूर्नामेंट था। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया। तो हम पूरी इंफॉर्मेशन की बात आपसे करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले स्पोर्ट्स का नाम क्या है? तो शंघाई मास्टर्स टाइटल 2019, ये नाम है। स्पोर्ट्स कौन सा है? टेनिस है ये। अगर मैन सिंगल की बात करें तो मैन सिंगल किसने जीता ये मत देखिएगा, ये गलत हो गया। किसने जीता? तो मैन सिंगल जीता डेनियल मेदवेद ने। आपको नाम पता ही है, एक बार मैं पीछे आपको ले चलता हूं, देख लीजिएगा फिर से एक बार। देखिए, तो डेनियल मेदवेद ने, इन्होंने जीता। ठीक, और अगर हम बात करते हैं डिफीटेड किसको हराया, तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया, जो कि जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी ये भी हैं। मेंस डबल की बात करें तो मेट पेविक एंड ब्रूनो सोर्स, इन्होंने जीता मेंस डबल। हालांकि इतना बड़ा ये इवेंट नहीं है कि मेंस डबल पूछा जाए, फिर भी मैंने नाम दे दिया। लेकिन आप ध्यान किस पर देंगे? आप ध्यान देंगे किसने जीता, डेनियल मेदवेद किस कंट्री के खिलाड़ी हैं। तो नाम से ही मालूम चला रशियन खिलाड़ी हैं। किसको हराया? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया, ये जर्मन खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर स्पोर्ट्स की हम दूसरे न्यूज की बात कर रहे थे। गाइस, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम गवर्नमेंट स्कीम्स की। और गवर्नमेंट स्कीम्स में भारत सरकार ने लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी स्कीम लॉन्च की है। ऐसी गर्ल्स जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में अपना करियर आगे देख रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको फाइनेंशियली असिस्टेंस करेंगी। आइए स्कीम का नाम जानते हैं। स्कीम का नाम क्या है, देखिए आपके सामने। देखिए, गवर्नमेंट टू लॉन्च विज्ञान ज्योति इनिशिएटिव टू हेल्प गर्ल स्टूडेंट टू ऑप्ट फॉर स्टेम एजुकेशन। स्टेम का मतलब क्या हुआ? एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। तो भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है विज्ञान ज्योति। एग्जैक्टली में ये स्कीम की बात करें तो 2020 से 2025 तक भारत सरकार 100 ऐसी बच्चियों को चुनेंगे जो कि 9 टू 10th क्लास में पढ़ती होंगी। ठीक है, 100 ऐसी बच्चियों को चुनेंगे, 100 बच्चियों को 550 डिस्ट्रिक्ट से चुना जाएगा और उनको फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी अगर वो स्टेम में अपना करियर बनाते हैं। मैंने डेटा आपके सामने पूरा लिख दिया। 2020 से लेकर 2025 तक 100 गर्ल्स को चुनना इस स्कीम के तहत विज्ञान ज्योति, और ये क्लास का मैंने इंफॉर्मेशन दिया आपको, और 550 डिस्ट्रिक्ट में से ये 100 गर्ल्स चुनी जाएंगी। तो इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था। आगे देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट विल लॉन्च अ प्रोग्राम नेम्ड विज्ञान ज्योति, नाम याद रखिएगा, टू हेल्प गर्ल स्टूडेंट इंक्यूक्लेट इंटरेस्ट इन द एरियाज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये पॉइंट तो क्लियर है आपको, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द प्रोग्राम विल फंड द गर्ल स्टूडेंट इफ शी गेट्स इनटू एनी टॉप इंस्टीट्यूशन फॉर परसुइंग दीज सब्जेक्ट। यानी अगर कोई बच्ची किसी टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती है जो कि साइंस के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तो उसको फाइनेंशियली हेल्प करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोग्राम का नाम क्या है? विज्ञान ज्योति। देख लीजिए फिर से एक बार आप लोग। 100 गर्ल्स को चुना जाएगा फ्रॉम द 550 डिस्ट्रिक्ट एंड 2020 से लेकर 2025 तक। यह इंफॉर्मेशन मैं पहले ही आपको दे चुका हूं, तो यह भी गाइस आपको याद रखना है, जो आराम से आप याद करें, लिंक को रिकॉर्ड्स में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट और क्या क्या हमारे पास है, देखिए अब हम पर्सन इन न्यूज की बात करेंगे। और पर्सन इन न्यूज में हम बात करेंगे हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। देखिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में सबसे आगे है बराक ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। लेकिन इंस्टाग्राम की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले लीडर बन गए हैं, वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। आइए इनके बारे में हम बात करते हैं, आपको थोड़ा सा मैं डेटा भी दिखाऊंगा यहां पर। ठीक है, देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम द मोस्ट फॉलोअर्ड इलेक्टेड वर्ल्ड लीडर ऑन फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम। तो नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा फॉलोअर मिल गए हैं इंस्टाग्राम पे। आप देख लीजिए यहां पे 30 मिलियन फॉलोअर्स आपको यहां पे शो हो रहे होंगे, फॉलो नरेंद्र मोदी। ठीक है, आइए हम इसके इनके बारे में आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये ओवरऑल रैंक है,
तो पहले नंबर पे इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी हैं, कंट्री इंडिया, और इनके फॉलोअर है 30 मिलियन। दूसरे नंबर पे जोको विडोडो, ये इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनके फॉलोअर 25.6 मिलियन है। तीसरे नंबर पे बराक ओबामा हैं, और चौथे पे डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके फॉलोअर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। सेकंड जोको विडोडो और नरेंद्र मोदी, इनके फॉलोअर आप चाहे तो लर्न कर सकते हैं, इंडोनेशिया, ये याद रखिएगा। हो सकता हो कि आपके एग्जाम में ये पूछे कि दूसरे नंबर पे कौन था, या जोको विडोडो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा, तो आप आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पे कंप्लीट होता है। गाइस ध्यान देना, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये ट्विटर की बात नहीं कर रहे, हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं। ट्विटर पे बराक ओबामा है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। आइए अब बात करेंगे एक्स्ट्रा हाईलाइट की, ठीक है। अब एक्स्ट्रा हाईलाइट में आपको हम कौन कौन सी न्यूज देने वाले हैं। पहली न्यूज हमारे सामने, ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी हो गई है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ रेट को कम कर दिया है। कितना कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ग्रोथ रेट 6% कर दिया है भारत का वर्ल्ड बैंक ने। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए तो वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक हैज प्रेडिक्टेड द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2019-20 at 6%। तो भारत की ग्रोथ रेट 6% रहेगी, ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का इन 1920। हालांकि इन्होंने आगे अपकमिंग टू ईयर्स के लिए भी अपना ग्रोथ रेट बताया। इन्होंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल 2020 मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए इन्होंने भारत ग्रोथ रेट को 6.9% बताया, और उसके एक साल के बाद मतलब 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ग्रोथ रेट को 7.2% बताया गया है। तो ये मैं आपसे बोल रहा था बार बार, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ रेट को 1920-2021 and 2021-22 के लिए प्रेडिक्ट किया, 6%, 6.9% and 7.2%। ये तीनों डेटा हमने आपको दे दिया। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, वो है आपका वॉशिंगटन डीसी में, याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, और हमारा दूसरा पॉइंट आपके सामने जो डेज पर है, और डेज की बात करें तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे अक्टूबर 14 को सेलिब्रेट किया गया, मतलब कल की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। गाइस गाइस देखिए, आपके एग्जाम में डेज भी आते हैं, थीम भी आती है, हाँ, तो थीम भी आपको लर्न करनी है। आइए देखते हैं, तो अगर हम किस दिन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की, या इसका एक नाम और भी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे। ये 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और अगर थीम की बात करें, इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम है वीडियो स्टैंडर्ड क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज, वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज, ये थीम है, ये थीम आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। तो 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की हम बात कर रहे थे, थीम आपके सामने। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, फिर से एक डेज की बात करेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन अक्टूबर 13। तो इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन अक्टूबर 13 को सेलिब्रेट किया गया। फिर से एक बार हम थीम की बात करेंगे, तो डे का नाम क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ये अक्टूबर 13 को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम देख लीजिए, रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसरप्शन ऑफ बेसिक सर्विसेज। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इतनी लंबी थीम एग्जाम में पूछी जाएगी, फिर भी आपको इतनी लंबी थीम तो आप याद कर नहीं पाओगे, तो रिड्यूस इतना याद कर लो आगे से और पीछे से इतना याद कर लो, ठीक है, बेसिक सर्विसेज, तो तब भी काम आपका हो जाएगा पूरा। तो ये आपका इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा डे जो हमने आज पढ़ा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका फॉर्मूला वन का रेस है, और ये भी न्यूज पुरानी हो गई है, बट हमें कवर तो करना ही है। तो वाल्टेरी बोटास की बात करें, इस सीजन का इनका तीसरा जीत, इस सीजन की इनकी तीसरी जीत, थर्ड विन है इनकी। वाल्टेरी बोटास विन फॉर्मूला वन जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2019। वाल्टेरी बोटास की बात करें तो ये मर्सिडीज की कार चलाते हैं, और ये फिनलैंड के निवासी हैं, फिनलैंड के निवासी, ये भी आपको लर्न करना है, फिनलैंड, मर्सिडीज, और तीसरी विन देखिए यहां पर। तो वाल्टेरी बोटास की बात करें, देख लीजिए, मर्सिडीज की कार चलाते हैं, फिनलैंड के निवासी हैं, हैज वॉन द फॉर्मूला वन जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2019, और ये इस बार इनकी इस सीजन की थर्ड टाइटल था, ये भी हमने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, ये भी आपको लर्न करना है गाइस। चलिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगर हम फॉर्मूला वन की बात करें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपके पास पूरे सीजन के फॉर्मूला वन की लिस्ट कई बार दी गई है, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भी दी गई है, उसमें एड ऑन कर लीजिएगा और एक बार पूरा फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और स्पोर्ट्स की बात करते हैं, और हम बात करेंगे डच ओपन की।
तो डच ओपन 2019 बैडमिंटन टाइटल की हम बात कर रहे हैं, डच ओपन 2019 बैडमिंटन, और ये इंडिया के लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। इनके अगेंस्ट में जापान का इनका प्रतिद्वंदी था, उनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये इतना बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया के विनर है, आपको ये इनका नाम पढ़ना पड़ेगा। तो लक्ष्य सेन विन डच ओपन 2019, आइए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए तो चैंपियनशिप का नाम क्या है, डच ओपन जो हम देख रहे हैं, स्पोर्ट बैडमिंटन है ये देख लीजिए, और विनर का नाम लक्ष्य सेन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो सिंपल सा सिंपल टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा हमने दिखा दिया ताकि आप आराम से याद कर लें। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया वो कर लीजिए, ठीक है। और आजकल टेलीग्राम चैनल पे हम क्विज भी कर रहे हैं, तो अगर क्विज भी करना है आपको तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ब्रिक्स समिट की। गाइस देखिए ब्रिक्स समिट की बात करें तो ब्रिक्स समिट का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स समिट जो होती है ना, तो पहले इन्वायरमेंटल मिनिस्टर का हो जाएगा, देन फाइनेंस मिनिस्टर का हो जाएगा, आरबीआई मतलब जितने सेंट्रल बैंक के उनके गवर्नर का हो जाएगा, देन प्राइम मिनिस्टर लोग का होता है, और शुरुआत हो चुकी है। तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, ब्राजील में दो शहर बड़े हैं, ब्राजीलिया और रियो। तो हम सोचते हैं हमेशा कि या तो रियो में या तो ब्राजीलिया में ये सारे इवेंट होंगे, लेकिन आपको नाम याद करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि हमारे देश के कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं, प्रहलाद सिंह पटेल पार्टिसिपेटेड इन ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन ब्राजील, ठीक है। तो प्रहलाद सिंह पटेल ने ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर की मीटिंग को अटेंड किया ब्राजील में। अब क्वेश्चन ये बनता है ब्राजील में कहां पर, ये पॉइंट आपको लर्न करना है। देखिए तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल पार्टिसिपेटेड इन ब्रिक्स कल्चर मीटिंग मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन क्यूरीटिबा ब्राजील। तो ब्राजील की बात करें, ब्राजील में कुरीटिबा एक जगह है, तो ब्राजील में कुरीटिबा एक जगह है, इस जगह पर ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, ये आपको ध्यान देना है, ये रियो में नहीं हुई है। तो आप कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसा पूछा जाता है। तो ब्रिक्स की जो टूरिज्म मिनिस्टर की मीटिंग है वो कहां पर हुई, कुरीटिबा ब्राजील में हुई, ये पॉइंट आपको ध्यान देना, ठीक है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सिमोन बाइल्स की। और अगर मैं बोलूं कि ये आज की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है तो ये गलत नहीं, किसी भी एथलीट के द्वारा सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया। अभी तक 23-23 पर टाई चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा था, और अभी इन्होंने अपना 24वां मेडल जीत लिया है इंटरनेशनल जिमनास्ट में, और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली जिमनास्ट बन चुकी है। सिमोन बाइल्स यूएस की निवासी है, ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट वर्ल्ड मेडल्स वन बाय एनी जिमनास्ट, मतलब क्या मेल क्या फीमेल सबसे आगे, मतलब मेल को भी पीछे करके, तो बहुत अच्छी बात है। रियली ये मोटिवेशन होना चाहिए गर्ल्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है, बॉयज के लिए भी जरूरी है। देखिए तो सिमोन बाइल्स की बात कर रहे हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोस्ट मेडल फॉर एनी जिमनास्ट एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां हो रही थी, देख लीजिए वर्ल्ड जिमनास्टिक चैंपियनशिप ये स्टुटगार्ट जर्मनी में हो रही थी, ये भी आपको याद रखना है। तो स्टुटगार्ट जर्मनी में वर्ल्ड जिमनास्ट चैंपियनशिप हो रही थी, जहां पर इन्होंने मेडल जीता, और मेडल जीतने के बाद ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली जिमनास्ट बन गई है। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, जो मैं 23-23 टाई की बात कर रहा था, तो किसका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, यह भी अब याद करना जरूरी है। और रिकॉर्ड ब्रेक किसका हुआ देख लीजिए, तो बेलारूस के एक जिमनास्ट थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था विटाली स्कैम्बो। तो इनके साथ रिकॉर्ड टैली था 23-23, लेकिन अभी ये 24th वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी है मेडल, ये आपको लर्न करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की मीटिंग की। देखिए 10th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनॉग्रेटेड इन जबलपुर। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का कौन सा एडिशन, 10वां एडिशन, और ये कहां पर हुआ, ये जबलपुर में हुआ, हालांकि एमपी में ये दूसरी बार हो रहा है, सेकंड टाइम हो रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैं आपको दे दूं। तो जबलपुर में संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10th एडिशन का उद्घाटन किया गया, जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। देख लीजिए यहां पर द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है भाई, लालजी टंडन है। तो लालजी टंडन इन द प्रेजेंस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड द 10th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इन जबलपुर मध्य प्रदेश। तो ये पॉइंट आपको लर्न करना है गाइस। अगर हम आगे बढ़े देख लीजिए, द फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश फॉर द सेकेंड टाइम।
तो ये फंक्शन मध्य प्रदेश में सेकंड टाइम हुआ, तो ये भी मैंने आपको बोल दिया। तो ये हम समिट इवेंट और मीटिंग की बात कर रहे थे गाइस। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक टाइफून की। जापान एक ऐसा देश है जहां पर नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, फिर भी जापान हमेशा सब चीज छोड़ के पीछे आगे आ जाता है, ठीक है। तो जापान की बात करें, टाइफून हागिबिस देख लीजिए, ये जापान से टकराया और काफी जापान को इसने नुकसान पहुंचाया है। तो उत्तरी जापान में टाइफून हागिबिस आया है। आपके एग्जाम में ये टाइफून से क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपको नाम याद करना पड़ेगा। हागिबिस की बात कर रहे हैं, टाइफून हागिबिस स्ट्राइक टोक्यो कैपिटल ऑफ जापान आफ्टर, ठीक है। तो ये इतना देख लीजिएगा, तो हागिबिस बस नाम याद कर लीजिए और आपको कुछ याद करने की जरूरत एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है। जापान, चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एमसीक्यूज की, और एमसीक्यूज में भी पॉइंट हमारे पास है और आपको हमारे एमसीक्यूज का सही आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन, विच मंथ इज सेट एज टारगेट फॉर अचीविंग द क्यूमुलेटिव 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आंसर करें तो वो कौन सा मंथ और ईयर, ईयर तो मान लीजिए 2022 ही है, तो कौन सा मंथ टारगेट किया गया है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का। वी हैव फोर ऑप्शंस और अभी आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। और यहां पर अरविंद बोल रहे हैं दिसंबर, ठीक है। अभिषेक कोचकर द ऑर्डिनरी पर्सन भी बोल रहे हैं भाई सेम आंसर, एंड द आंसर इज 31 दिसंबर 2022। ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर गाइस। ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। विच सिटी इज होस्टिंग द सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिशियन सोसाइटी आजीविका मेला, जिसे हम सारस बोल रहे हैं गाइस। अब देख लीजिए सारस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, SARAS, सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिशियन सोसाइटी आजीविका मेला, ये कहां पर हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपसे बोल दे रहा हूं। आंसर वैसे आपको देना है, सिंपल आंसर है, कुछ टफ नहीं है इसमें। जी साधना और ह्यूमैनिटी बोल रहे हैं न्यू दिल्ली, सुनील बोल रहे हैं न्यू दिल्ली, बबलू बोल रहे हैं न्यू दिल्ली, प्रोफेसर बोल रहे हैं वाराणसी। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेम द स्लोगन ऑफ द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट ज्वाइंट मास मीडिया कैंपेन। मतलब सारी की सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक साथ आएंगी और ये हमारे इंडिया में हमारे देश के कॉमन मैन को बताएंगी सबसे जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस। तो आपसे पूछा गया है, लॉन्च बाई लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल वर्थ अराउंड ₹100 करोड़, तो 100 करोड़ रुपए का पूरा ये खर्चा होगा कैंपेन पे, सबसे ज्यादा इसमें LIC दे रहा है। तो आपको वो कैंपेन का नाम बताना है क्या होगा, और यहां पे अरविंद ने बोला है सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, आशा बोल रही है सी ऑप्शन, प्रीति कश्यप बोल रही है सी ऑप्शन, निर्मल जोशी बोल रहे हैं सी ऑप्शन, एंड द आंसर इज सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर गाइस, एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द शॉर्ट फिल्म बेस्ड ऑन बोट रेस नेम्ड स्प्रिट ऑफ केरला। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दैट वन द पीपल्स चॉइस अवार्ड 2019 एट माई रोड रील फिल्म कॉम्पिटिशन 2019। गाइस आंसर करेंगे, हाँ स्प्रिट ऑफ केरला, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं अपने एक्स्ट्रा हाईलाइट में, आई थिंक फ्राइडे को पढ़ाया है या थर्सडे को पढ़ाया था मैंने लास्ट। अंशुल भाई तुम मेरे दिल में हो, कहा तुम परेशान हो रहे हो। चलो और अरविंद बोल रहे हैं अरुण जोसेफ, अरविंद से पहले साहिल ने बोला अरुण जोसेफ, और प्रपेश सर ठीक है, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अरुण जोसेफ। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओलंपिक चैंपियन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रन अ मैराथन अंडर 2 आवर्स। इथोपिया के हैं ये और इन्होंने ये कारनामा किया है ऑस्ट्रिया में 2 घंटे के अंदर, मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है। चलो फिर आंसर दीजिएगा, वी हैव 4 ऑप्शंस और आंसर की बात करें इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं यहां पर। ये केन्या के हैं जी, मुझे इथोपिया लग रहा था ये। फिलहाल आंसर की बात करें, आंसर इस इलियुट किपचोगे। ऑप्शन नंबर 3, क्या ये केन्या के हैं, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मुझे इथोपिया लग रहा था, हालांकि सारे मैराथन वाले केन्या से ही होते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिए केन्या की थोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ग्रेट गेम इन द बुद्धिस्ट हिमालय इन इंडिया एंड चाइना क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस। अच्छा केन्या के हैं, अच्छा ठीक है प्रोफेसर, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मुझे ये चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर दीजिएगा, और आंसर की बात करें इसका आंसर क्या होगा, और अरविंद ने आंसर दे दिया है उसके पहले निर्मल जोशी, वेरी गुड। चलिए क्या इसका आंसर होगा, एंड द आंसर इज देख लीजिए यहां पे, तो इनका नाम है फुनचोक स्टॉपडेन, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया हैज वॉन एट वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप कंक्लूडेड इन मुंबई। तो एक बात आपको ध्यान देनी है कि वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप की बात करें तो ये मुंबई में हुआ। आपसे पूछा गया कि इंडिया ने कितना मेडल इसमें जीता, वी हैव 4 ऑप्शंस। और यहां पर आंसर की बात करें तो प्रियंका कुमारी 7, अनुश्री बैनर्जी 7। अनुश्री बेटा बहुत दिन के बाद तुम आई हो हमारे बीच, हम लोग के बीच में, और आंसर की बात करें आंसर इज 7, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 7 इज राइट आंसर, वेरी गुड फैंटास्टिक। ओके लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टूरिस्ट इंडिया विल ऑफर ई टूरिस्ट वीजा ऑफ 5 ईयर वैलिडिटी। यानी भारत इसमें से कौन से देश के टूरिस्ट को 5 साल का वीजा दे रहा है, आपको यह बताना है, आंसर दीजिएगा। चलो आंसर की बात करें, वी हैव 4 ऑप्शंस। ह्यूमैनिटी बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया, प्रोफेसर बोल रहे हैं सऊदी, प्रेस किन नाम मैं पढ़ नहीं पाया, वैसे आप लोग सऊदी अरेबिया बोल रहे हो, मेरा आंसर है चाइना। आदित्य बेटा मैराथन वो डिपेंड करता है, कुछ हाफ मैराथन होते हैं कुछ फुल मैराथन होते हैं, और ये चाइना होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सब सऊदीया मार, सऊदीया सऊदीया सऊदीया, ठीक है ठीक है ठीक है, तुक्का मारे लग गया। प्रियंका ने सऊदी अरेबिया की कैपिटल करेंसी भी बता दी है, ये है कॉन्फिडेंस, लेकिन अच्छा बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फर्स्ट ग्लोबल डीएक्सबी चैलेंज इज गोइंग टू हिल्ड। गाइज डीएक्सबी चैलेंज का मतलब बेसिकली ये रोबोटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कॉम्पिटिशन होता है, और ये कहां पहली बार हो रहा है ये आपसे पूछा गया है, सिडनी दुबई नीदरलैंड बैंगलोर, वी हैव 4 ऑप्शंस। सही है प्रोफेसर, सही है। और अरविंद बोल रहे हैं दुबई, विशाल गुप्ता बोल रहे हैं दुबई, धीरज बोल रहे हैं दुबई, सुनैना वेरी गुड सिडनी, बहुत अच्छे बच्चे, प्रोफेसर बैंगलोर, ठीक है ठीक है, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। और इसके आंसर की बात करें, एंड द आंसर इज दुबई, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दुबई इज राइट आंसर, दुबई इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is the name of the first person who did spacewalk in 1965 but died recently? आप लोगों को मंदिर की आवाज आ रही, पूजा हो रहा है, देखो मेरा शो कितना अच्छा है, मैं आपको नेचुरल चीजों से ही जोड़ा रखता हूं, मैं क्लास भी ले रहा हूं, मंदिर मंदिर घंटे की आवाज कभी आ जाती है, कभी बैंड बाजा बारात की वो आवाज आती है, कभी कभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, ना नेचुरल, आपको लगता ही नहीं कि आप मतलब कहीं ऐसे पढ़ रहे हो, आप घर में पढ़ रहे बैठ के, है ना, दुनिया का बेस्ट है भाई। आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा इसका, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जीए बाई अभिजीत सर, एलेक्सी लियोनो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वेरी गुड बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली डिप्लॉय एडिशनल 3000 ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया, वी हैव 4 ऑप्शंस, आंसर दीजिएगा इसका, इसका आंसर होगा वर्षा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।
रमेश सर आप महान हैं, आप ग्रेट हैं, यू आर ग्रेट, और हम लोग हमेशा आपको फॉलो भी करेंगे। आंसर की बात करें गाइस, आंसर क्या होगा? आंसर इज यूएसए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यूएसए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग सारस आजीविका मेला एट इंडिया गेट लॉन्च इन अक्टूबर। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये सारस कहां पर हुआ, तो आपने नई दिल्ली दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज किया था? आंसर, अब युद्ध होके आएगा, आंसर भाई मिलते हैं, कब तक छुपे रहोगे पर्दे की आड़ में, कभी ना कभी निकलोगे मुकेरी बाजार में, मिलते हैं भाई बनारस में, हा ना हमारा एरिया ना तुम्हारा एरिया। और आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा इस? जी अनुश्री बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हो, ह्यूमैनिटी बिल्कुल सही आंसर, एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़िया, आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑनर्स फॉर होम गूगल हैज रिसेंटली डेडिकेटेड अ डूडल। इसका आंसर क्या होगा? एकदम बीच में रिज भाई, ना हमारा एरिया ना तुम्हारा एरिया। अब भाई अंशुल भाई इसका जिम जाना है, देख लो भाई, हाँ समझ लेना आराम से। आंसर की बात करें, आंसर इज कामिनी रॉय। गाइस एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एग्जैक्टली मैं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी स्क्रीन है और दिन भर जो काम है, तो एक्चुअली पिछले करीब 10 दिन से मेरे सर में काफी दर्द था और डॉक्टर ने मुझे चश्मा बोलने पहनने को बोल दिया है, लेकिन पहन नहीं रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा मतलब मजाक उड़ाओगे, तो चश्मा मैं कल से पहनूंगा। इट्स माय रिक्वेस्ट कि कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा भाई, है ना, चश्मा मतलब समझे ना। तो वो आंखें दर्द होने लगती हैं और सर में हेडेक हो जाता है, तो वो जरूरी हो गया है पहनना। आई थिंक आप लोग समझेंगे मेरी बात को, मैं पहन नहीं रहा हूँ, कल से मैं पहनूंगा। लेकिन हाँ, अरे मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक कर रहे हैं अजय अजय भाई, एकदम मजाक कर रहे हैं। चलिए, रिस्ट्रेंशन कह दिया भाई आज। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल 2000 हिल्ट? विशाल थैंक यू सो मच। कल से चश्मा, कल से। अरे यार मिर्जापुर में मिलता ही नहीं चश्मा चश्मा, बहुत मैं ढूंढा ऊंडा, एक मिला है, गांधी जी की तरह पहन के आएंगे और क्या। कल से। अभिषेक सिंह सर बिल्कुल सर। देखो नरेंद्र ने शुरू कर दिया। नरेंद्र भाई मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा सही वाला। आइए आंसर की बात करें गाइस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2019? ये 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, और आपको इसकी थीम बतानी है। बबलू पांडे प्रवेश सर लेंस कार्ड यहां पे नहीं है, और मतलब ऑनलाइन में मुझे समझ नहीं आता, मतलब कि मंगा लूं मैं फिर वो फिट ना बैठे। हाँ मयंक कोई बात नहीं बेटा, आदित्य बेटा लेंस मिर्जापुर से मैं रिस्क नहीं लूंगा, यहां पे सब ऐसे चलता है। अब कहीं बाहर बाहर जाए, अनअकैडमी छुट्टी मिले तो जाए बाहर तो लगवाए। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थीम प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे गाइस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2019? ये भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। नरेंद्र भाई तुम्हारा नाम मुझे लेना ही पड़ जाएगा, बहुत हो गया। आंसर की बात करें, वी हैव 4 ऑप्शंस गाइस, जल्दी से आंसर करें। ज्योति चश्मे वाले अंशुल भाई क्या यार, मैं भाई मिर्जापुर गांव है, लेकिन यहां पर तुम्हें ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलता है यार, सबको अपना शहर बहुत अच्छा लगता है, मेरा शहर न्यूयॉर्क से कम थोड़ी ना है। आइए तो मिर्जापुर में कभी, आइए आंसर की बात करें।
भैया तिवारी जी, अश्विनी जी, आप भी इलाहाबाद से हैं, बहुत दूर के नहीं है इलाहाबाद, बहुत कोई वो नहीं है ह्यूस्टन। आई आंसर की बात करें, आंसर इज थीम टाइम टू वर्क ऑप्शन नंबर वन। गाइज तो ये रहा हमारा सेशन AM लाइव कोड, ये जो कोड है इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको Unacademy Plus प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है तो कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोड के थ्रू। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, आप सबका दिन मंगलमय हो, पूरे दिन का टारगेट सेट करिए। और मेरे पास अभी 2 मिनट है, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग काफी देर से पढ़ रहे हैं और हमें तो 1 घंटे का ये शो करना ही होता है, तो टाइम हमारे पास है 2 मिनट। अगर कुछ किसी को पूछना है, केवल एक क्वेश्चन छोड़ के मैराथन की लेंथ जो कोई पूछ रहा था, तो आप कुछ पूछ सकते हैं मुझसे। और जो बच्चे अभी रेस्ट करना चाहे रेस्ट कर लें, इसके बाद हमारी क्लास होने वाली है जिस पर हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ के 100 क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की। तो जिसको आगे अभी आरआरबी के एग्जाम है वो आराम ना करे, वो आए उस सेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। अभिषेक सिंह थैंक यू सो मच भाई, आप लोग के वजह से ही हम लोग यहां पर हैं। आदित्य तुम्हारी शादी में सीधे आएंगे ना, या चश्मा लगा के बढ़िया सा। अभिषेक थैंक यू सो मच। दवेचन पूछे, यस सर आप मोटे कैसे हुए? नहीं मोटे नहीं हुए भाई यार, हमारा बेइज्जती करने के लिए थोड़ी ना बोला था यार, क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था। पतले हो जाएंगे, सब मोह माया है, सब चीज अपने हाथ में है। सोनू आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें भाई, और वहां पर क्या होगा, वहां पर आप भांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, हमारे पास बहुत सारे रॉकस्टार्स हैं। प्रियंका ने क्वेश्चन पूछा, क्या इंडिया की इकोनॉमी सच में डाउनफॉल हो रही है? या बिल्कुल हो रही है प्रियंका, बिल्कुल हो रही है, लेकिन उसका वजह इंडिया का इंफ्रा या इंडिया का अपना इकोनॉमी सिस्टम नहीं है, उसकी वजह है ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से इंडिया की इकोनॉमी डाउनफॉल जा रही है, अभी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जहां BS6 लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, 1-2 महीने के बाद आपको कंडीशन ठीक दिखना शुरू हो जाएंगे। अभिजीत विश्वास आप ऐसे समझिए, मैंने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया, ये लोन है, और मैंने आपको 10 लाख रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, मतलब सपोज करिए आप शॉप बनवा रहे हो, तो मैंने बोला कि 10 लाख में 2 लाख रुपए सीलिंग के लिए देंगे, 2 लाख रुपए मटेरियल के लिए देंगे, 2 लाख रुपए तुम्हारे डेकोरेशन के लिए देंगे। तो मतलब जब लोन को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में आपको दिया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है। साधना ब्रांड फाइनेंस का मतलब देखिए, मतलब ये होता है ना बेटा, जैसे मान लीजिए कि साधना आप लोन लेने के लिए चाहिए और मुकेश अंबानी चाहे, बैंक किसको ज्यादा लोन देगा? मुकेश अंबानी को, उनकी ब्रांडिंग, ब्रांड फाइनेंस, सिंपल सा मतलब है यार चीजों को अपने भाषा में। चलिए मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच गाइस। आज 11 PM वाली क्लास नरेंद्र तो नहीं है बेटा, 15 हो गया ना, 16-17-18, ठीक है, देखते हैं करते हैं।